नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ऑनलाइन गुरुकुलम में। दोस्तों, हम इसमें एमपी करंट अफेयर्स के तहत फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले वाला एक और पार्ट मैंने बना दिया हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहला पार्ट देख लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट देख लीजिए। और इसके बाद एक और पार्ट रहेगा, इसमें आपका एमपी का जो फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर मार्च का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो है 23वां है। इसके पहले मैंने 22 प्रश्न पहले पार्ट में करा दिए, तो आप उसको देख लीजिए। तो पहला प्रश्न यहां पर देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है। हाल ही में स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा है। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, स्मार्ट सिटी की रैंकिंग आपसे पूछ रहा है। तो जो है मध्य प्रदेश का भोपाल जो है दूसरे स्थान पर रहा है, लेकिन पहले स्थान यदि आपसे पूछ ले करंट अफेयर्स के तहत, तो नागपुर जो है पहले स्थान पर रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, संविदा कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविदा वाला जो मुद्दा है बहुत गर्माया हुआ है अभी भी, तो इसी के जो है इसको, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए समिति गठित की गई है। समिति गठित की गई है सामान्य प्रशासन मंत्री श्री गोविंद सिंह के नेतृत्व में इसको जो है गठित किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय मानव एवं बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने रिजर्व बंधन स्थापित किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, देखिए पर्यावरण की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह जो है बहुत विशेष प्रश्न हो जाता है। तो कितने यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने रिजर्व प्रबंधन स्थापित किए जा रहे हैं, तो आंसर इसका रहेगा 3 इसमें स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में मंदिरों में पुजारी बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुजारी बनने के लिए भी अब योग्यता चाहिए यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन को, तो 8वीं पास यदि है व्यक्ति तो वह जो है पुजारी बन सकता है। और भी इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर 8वीं पास याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन ने दिव्यांग महिला और सामान्य पुरुष के बीच विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो कितनी बढ़ाकर कर दी है, 2 लाख रुपए। यदि कोई महिला दिव्यांग है और सामान्य पुरुष उससे विवाह कर रहा है, तो उसको जो है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संसदीय लोकतंत्र का बदलता स्वरूप, इसको याद रखें आप, भारतीय संसदीय लोकतंत्र का बदलता स्वरूप पर एक दिवसीय जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया था, भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। आप इसको याद रखें, भारतीय संसदीय लोकतंत्र का बदलता स्वरूप पर एक संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश शासन ने युवा स्वाभिमान योजना से संबंधित उच्च स्तरीय परिचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युवा स्वाभिमान योजना से संबंधित उच्च स्तरीय परिचालन समिति का गठन यहाँ पर हमारे मुख्य सचिव श्री SR मोहंती, इनके नेतृत्व में इसका गठन किया गया है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर इसमें आएंगे। तो सबसे पहले आप लाइक करिए, और शेयर आपके पिछले वीडियो में बहुत कम हुए हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले की महिला सरपंच को स्वच्छ, यहाँ पर देखिए कुछ स्वच्छता की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो स्वच्छ शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह रहने वाली हैं, हरदा जिले की हैं, और इनका नाम है श्री लक्ष्मीबाई जाट। याद रखें, दोनों पूछ सकता है आपसे, नाम भी पूछ सकता है और किस जिले की हैं यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में नदी महोत्सव का कब कहां और किसके द्वारा जो है शुभारंभ किया गया है। तीनों प्रश्न अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, कब किया गया, कहां किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो इनके एक एक करके आंसर हम देख लेते हैं। 12 फरवरी 2019 को नदी महोत्सव मनाया गया। कब किया गया, कहाँ पर किया गया, खरगोन जिले के मंडलेश्वर में जो इसकी शुरुआत की, और किसने की है, मंत्री हैं विजय लक्ष्मी साधो, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। किसका, नदी महोत्सव का। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में देश का पहला हेलमेट बैंक किस जिले में आरंभ किया गया है। तो किस जिले में किया गया है, नीमच जिले में इसको आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का हरगोविंद हेमल स्मृति सम्मान मध्य प्रदेश की किस हस्ती को प्रदान किया गया। आप इसको याद रखें, सिर्फ यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, खासकर
व्यापम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2018 का हरगोविंद हेमल स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया है? बाबूलाल दाहिया को। ठीक है, यहाँ पर दाहिया कर लीजिए आप, इनको अवार्ड दिया गया वर्ष 2018 के लिए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन से शहर को स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है? तो दो शहरों को चुना गया है, कौन कौन से हैं? भोपाल और उज्जैन को डिजिटल पेमेंट अवार्ड के लिए सुना इसको इनको जो है चुना गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2015 का गुरु नानक राज सम्मान किसे प्रदान किया गया? जी हाँ, वर्ष 2015 का याद रखना, यह अवार्ड जो है वर्ष 2015 का है, लेकिन अभी इसको फरवरी मंथ 2019 में दिया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और करंट अफेयर से संबंधित हो जाता है। तो आप याद रखें कि गुरु नानक राज्य सम्मान किसे दिया गया है? राघव सिंह राठौड़ को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इस तरह से भी व्यापम में क्वेश्चन पूछते हैं और एमपीपीएससी में पूछता है कि जो गुरु नानक राज्य सम्मान दिया जाता है किस क्षेत्र में जाता है, तो मध्य प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में यदि आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए यह सम्मान आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित क्रेडाई यूथ कॉन 2019 की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? याद रखें आप सिर्फ इतना कि क्रेडाई यूथ कॉन का आयोजन किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश की ओर से हमारे रेरा अध्यक्ष जो कि हमारे पहले मुख्य सचिव भी रहे हैं स्वराज गवर्नमेंट में, वह कौन है? एंटनी डिसा। ठीक है, आप इसको याद रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंदिरा किसान ज्योति योजना के अंतर्गत अब मध्य प्रदेश के किसानों को बिजली कितने पैसे प्रति यूनिट मिलेगी? तो यह देखिए, कमलनाथ सरकार ने यह घोषणा की है, 44 पैसे प्रति यूनिट मध्य प्रदेश के किसानों को किस योजना के तहत? इंदिरा किसान ज्योति योजना के तहत बिजली दी जाएगी, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश सरकार का। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, रबी उपार्जन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेहूं कितने रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है? यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि गेहूं का यहाँ पर समर्थन मूल्य दिया गया है, या तो सभी स्टेटों के लिए समान रहता है, तो कितना है? 1840 रुपये। लेकिन एक बात और, 1840 रुपये के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार अपने तरफ से जो है 160 रुपये का भी बोनस मध्य प्रदेश के किसानों को प्रति क्विंटल में देगी। ठीक है, यह तो जो 1840 जो है यह सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपने तरफ से यह सभी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग बोनस दिया जाता है, जिसको देना है वह देती है गवर्नमेंट, जिसे नहीं देना है वह नहीं भी देती है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 160 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी, मतलब कि 2000 रुपये क्विंटल मध्य प्रदेश में गेहूं की तुलाई इस बार हुई है, याद रखें आप। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 45वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका आंसर क्या रहेगा? 20 से 26 फरवरी 2019 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश में कितने श्रम उद्योग विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? तो 4 श्रम उद्योग विद्यालय खोलने का मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, विचित्र कुमार सिन्हा स्मृति सम्मान 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखें, 2018 का यह जो है विचित्र कुमार स्मृति था, इसका आयोजन भोपाल में किया गया फरवरी 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2016 का, देखिए हमने पहले ऊपर भी देखा था कि गुरु नानक सम्मान राजश्री सम्मान दिया गया 2015 के लिए, यहाँ पर आप वापस से देख सकते हैं कि 2016 के लिए रहीम राज्य सम्मान, याद रखना रहीम राज्य सम्मान किसको दिया गया है? पुरुषोत्तम पासवानी को 2016 के लिए अवार्ड दिया गया है, याद रखें आप। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और आप सोचेंगे कि यह कितना पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहा है, ऐसा नहीं है, यह जो है लेटेस्ट ही करंट अफेयर्स जो है व्यापम या एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मिजल्स रोबेला टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो आंसर इसका क्या रहेगा? उज्जैन जिला इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। आगे बढ़े और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो आंसर क्या रहेगा? जबलपुर के भिटौली ग्राम में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना जो है मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है एमपीपीएससी की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय की गठन की मंजूरी कब प्रदान की है? तो 16 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय की गठन की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट फरवरी मंथ का आपको नेक्स्ट डे मतलब कि कल या परसों एक दो दिन में आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम फरवरी का खत्म करने के बाद में मार्च अप्रैल मई और जून का कंप्लीट करेंगे, और मैं अभी जो है 25 जून के आसपास में
डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी वैकेंसी आने ही वाली है। आज कल कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई है, उसमें एज संबंधी जो आपकी दिक्कतें थी शायद वो भी अब दूर कर ली जा रही हैं। और उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस छत्तीसगढ़ सरकार के सामने भी इसी तरह की समस्या आई थी, तो उसने जिस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी इसको सॉल्व करके MPPSC और व्यापम पुलिस SI जितनी भी वैकेंसी हैं सारी वैकेंसी उसको रिलीज कर दी जाएगी। आप अपनी मेहनत करें, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।